जय माता दी। और आज हम करेंगे बाथरूम की क्लीनिंग, और मैं ऊपर के बाथरूम की क्लीनिंग करूंगी। और देखो, जब से बना है तब से मैंने करी नहीं है, और करती हूँ बाथरूम की क्लीनिंग। और मैं किस तरीके से करती हूँ ये बताती हूँ। मैं दो तरीके से करती हूँ, आज मैं बताऊंगी हार्पिक से कैसे करती हूँ मैं क्लीनिंग। और हार्पिक से क्लीनिंग ही हो जाती है। और देखो, ये वॉश बेसन वगैरह भी सारे साफ करूंगी। और देखो आगे, और फेस को कर दूंगी कवर थोड़ा सा, क्योंकि देखो स्मेल आती है हार्पिक की। तो हम कैसे करते हैं साफ। और देखो, मैंने अब दुपट्टा बांध लिया है अपना, क्योंकि देखो स्मेल आती है हार्पिक की। या हम अगर तेजाब से अपने बाथरूम को साफ करते हैं तो स्मेल आती है उसकी, और नाक में जैसे उसका धुआं सा आता है। तो इसलिए मैंने अपने कवर कर लिया है चेहरे को, और मैं हार्पिक से ही साफ करूंगी इसको। और नहीं, वैसे तेजाब से भी करती हूँ मैं। तेजाब मैंने जैसे बाल्टी में ले लिया, जैसे पानी ले लिया और दो ढक्कन तेजाब का डाल लिया, तो मैं करती हूँ। लेकिन आज मैं हार्पिक से करूँगी, क्योंकि ये गंदा नहीं है ज़्यादा बाथरूम, और बहुत अच्छे से हो जाएगा। और अभी बना है, तो अभी जब से बना है मैंने सफाई नहीं की इसकी। और देखो, मैं ये वाला ले लूँगी और इस पर हार्पिक लगाती जाऊँगी, और इससे बड़े अच्छे से हो जाता। और ये पता है बहुत अच्छा होता है जो हम इससे करते हैं। तो ये, और ये हाथ में भी देखो नहीं लगता, और आराम से मैं सारे टाइल्स पे लगा दूंगी इसको, और थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी। और ऐसे ही सब पूरे जैसे बाथरूम के टाइल्स पर मैं लगाती जाऊंगी, और बाथरूम क्लीन हो जाएगा मेरा। और मैं बहुत दिन से सोच रही थी, और देखो नीचे वाला बाथरूम भी मैं कर आई थी साफ, लेकिन मुझे ऊपर वाला दिखाना था बाथरूम साफ करके। और देखो टोंटियाँ भी देखो गंदी हैं, और मैं हार्पिक से ही थोड़ा सा कर दूंगी इनको क्लीन। और पहले हार्पिक लगा देती हूँ चारों तरफ, जब वो क्लीन हो जाएगा बाथरूम। और बाथरूम क्लीन, देखो अब पहले बाथरूम पर इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब हम नहाते हैं उसमें तो हमें अपना बाथरूम क्लीन ही अच्छा लगता है। नहीं, पहले तो देखो नहीं करते थे इतना साफ सफाई, लेकिन अब तो साफ सफाई करना बहुत ही। बाथरूम में देखो साफ सफाई नहीं करते तो घिन भी लगती है, और अच्छे से कर लेते हैं। अब तो कोई भी हो, मैं हूँ या और कोई भी हो, अच्छे से सफाई करते हैं बाथरूम की, क्योंकि बाथरूम साफ ही अच्छा लगता है। और मैंने आज हार्पिक से सारा देखो सारे पे कर दूंगी क्लीन, और टाइल्स पे सफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर नहीं करते हम लोग तो देखो, हमारे यहाँ का हार्ड वाटर है तो वो सारा जम जाता है, और जो साबुन वाबुन का भी होता है वो नीचे जम जाता है, इसलिए सफाई करना ज़रूरी हो जाता है। और मैं सारी देखो ऐसे ही पहले सारे पे हार्पिक लगा दूंगी और कर दूंगी इसको क्लीन। और थोड़ी देर बाद फिर मैं इसे पानी से धो दूंगी। और देखो टोंटी पे भी मैं हार्पिक लगा दूंगी, और ये हमारी टोंटी पुरानी है। देखो फिर हम लोग, जैसे मेरी क्लास फैमिली थोड़ी पुरानी थी, तो लेकिन हमने वही लगवा दी, और मैं साफ़ कर दूंगी। लेकिन इतनी साफ़ नहीं हुई हार्पिक से, क्योंकि पुरानी टोंटी है तो हार्पिक इतना काम नहीं किया इस पर। थोड़ा सा ही जैसे थोड़ा सा क्लीन हो गई थी, लेकिन इतनी साफ़ नहीं हुई थी। और जो नई टोटियों पे मैं ज़रा सा भी हार्पिक लगा दूंगी, आप देखना क्लीन हो जाएंगी बिल्कुल। और फिर मैं नीचे के फ्लोर की भी कर दूंगी हार्पिक से, और सारे पे देखो हार्पिक से हो जाता है, बहुत अच्छा होता है हार्पिक। और देखो फ्लोर भी मैं हार्पिक से ही थोड़ा थोड़ा लगा रही हूँ, ज़्यादा नहीं, और हार्पिक से ही क्लीन कर लूँगी। और देखो, और टोंटियों पे देखो फिर मैं ऐसे ही लगा दूंगी इस चीज़ से, और साफ हो जाएंगी एकदम क्लीन, चमकने लगेंगी। इस पर भी हार्ड वाटर जैसे जम जाता है, ब्लैक ब्लैक हो जाता है। हमारे यहाँ की टोंटियाँ सारी ब्लैक हो जाती हैं, कितनी भी सफाई करो, लेकिन ब्लैक पानी, ब्लैक ब्लैक हल्के से धब्बे पड़ जाते हैं इन पर। तो इन पर रोज़ डेली साबुन का हाथ मारना पड़ता है। लेकिन मैंने आज हार्पिक, और देखो मेरा हाथ भी जला हुआ है, और देखो अब डाल दूंगी पानी, तो ये सारा क्लीन हो जाएगा बाथरूम मेरा। और फिर मग्गे वग्गे मैंने ले लिए थे सारे, तो फिर मैं इनसे क्लीनिंग करके, और फिर बाद में इन बाल्टियों को साफ़ कर दूंगी, अच्छे से क्लीन कर दूंगी। और देखो मेरा क्लीन हो रहा है बाथरूम, और देखो एकदम साफ़ हो जाता है। और लेकिन इतने गंदे भी नहीं थे, जैसे मेरा बाथरूम इतना गंदा नहीं था, लेकिन मेरा मन नहीं मानता, और मैंने सोच लिया था आज करना है तो करना ही है मुझे, और फिर मैंने कर लिया था। और टाइल्स पर बहुत ज़रूरत होती है सफाई की, अगर हम नहीं करेंगे तो फिर गंदा ही रहता है।
और देखो मेरा क्लीन हो गया सारा। और देखो थोड़ा धब्बे वब्बे रह गए थे हारपिक के, तो फिर मैंने दोबारा ब्रश मार दिया था और फिर पानी वानी डाल दिया था। और फिर मैं नीचे का, फिर मैंने फिर नीचे का फ्लोर भी फिर करने लगी थी। फिर मैंने साबुन से ही थोड़ा सा साबुन और हारपिक मार दिया था, तो फिर क्लीन हो गया था सारा और बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था फर्श वर्श। और फिर मैंने मुँह को खोल, जैसे कवर कर लिया था उसको निकाल दिया था। और फिर हम अब सफाई कर दूंगी सारी इसकी। और चप्पल पहन रखी थी, वैसे गर्मियों में ज़रूरत नहीं हुई, लेकिन हारपिक नीचे मैंने डाल रखा था तो इसलिए पैरों में देखो परेशानी हो जाती, इसलिए फिर मैंने। और अब साबुन से इसको साफ़ कर दूंगी बाल्टी को, थोड़ी सी गंदा हो गया था। और बाथरूम साफ़ करते हैं, तो फिर मैंने इसको भी और उसको भी जो डब्बे से धो रही थी फिर उसको भी साफ़ कर दिया था। और किसी दिन मैं बाल्टियों को भी क्लीन करके बताऊंगी। और हारपिक से ही हो जाती हैं वैसे साफ़, लेकिन मैं तेजाब से करके बताऊंगी क्योंकि मेरी बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं। और सावधानी से करो तो कुछ भी नहीं होता। और फिर मुझे देखो यहाँ का भी टेस्ट करने थे बाहर के, वास्पेशल के बराबर में हैं। पहले मैंने शीशा कागज़ था तो मैंने कागज़ से क्लीन कर दिया था, अखबार हो या कागज़ से हारपिक लगा के, अगर हारपिक नहीं सॉरी वो कॉलिन लगा के साफ़ करो तो ज़रा सी देर में हो जाते हैं क्लीन। और फिर मैंने अपना ये मुझे बास पेसल वगैरह और ये शीशे के पास भी लग रहा था, तो टाइल्स फिर मैंने ये भी साफ़ कर दिए थे। और बहुत अच्छे से हो गई थी सफाई मेरी, लेकिन टाइम तो लगता है, देखो हर किसी चीज़ में टाइम लगता है। और काम करते करते ही फिर मुझे 2 बज गए थे और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। फिर वो ये है कि काम करते हैं किसी चीज़ का। और देखो यहाँ मैंने पानी नहीं फैलाया था, मैंने वैसे ही पोंछ दिया था कपड़े से और क्लीन हो गया था सारा, क्योंकि फिर सारे में पानी पानी हो जाता है और काम बढ़ जाता है। और फिर बास पेसल भी मैं कर दूँगी क्लीन बाथरूम जैसे, और नीचे भी देखो क्लीनिंग हो जाएगी सारे पे। और हमारे वाइट कलर के टाइल्स हैं तो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, अगर थोड़े डार्क के होते हैं तो इतना वो भी नहीं होता, लेकिन वाइट कलर के गंदे भी होते हैं। और फ्लोरिंग भी हमारे वाइट कलर की हो रही है तो बहुत जल्दी पकड़ लेता है गंदगी। और फिर कर दूंगी वाइस पेसल की सफ़ाई, ये भी हारपिक से मैंने पहले कर दिया था तो अब कर लूँगी सफ़ाई। हो गई अब चारों तरफ की जो शीशे के बराबर में सारी वो थी, तभी मैं करने लगी थी सारी सफाई और हो गई मेरी क्लीन। देखो टाइल्स सारे क्लीन हो गए और अच्छा भी लगता है सफाई करने के बाद में, फिर अच्छा भी लगता है। और देखो मेरा बाथरूम हो गया क्लीन एकदम चमचमाता हुआ। और यहाँ से किया है मैंने, और देखो मेरी टोटियाँ जब काली पड़ रही थी, और देखो मैंने यहाँ से थोड़ा सा हाथ लगा दिया था और चमक गई मेरी टोटियाँ। और आज मैं नहाई भी रही हूँ बाथरूम की वजह से, और आज यही सफाई करा और टाइल्स वगैरह देखो मेरे ये भी साफ कर दिया। और बाद में बिल्कुल भी साफ हो गया मेरा, क्लीन हो गया एकदम। और क्लीनिंग ब्लॉग है ये मेरा। और देखो सारे इधर उधर हो गए, और अभी देखो झाड़ू पोछा नहीं हुआ ऊपर का, और पहले मैंने साफ कर दूँ। और देखो मेरे बोर्ड ये भी मैं साफ करूँगी एक दिन, आपको दिखाऊंगी कैसे करती हूँ मैं क्लीन। और वीडियो का एंड करती हूँ। जय माता।